क्लास चल रहा है हाँ? 16/5/1967 दूसरे पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी, जो बच्चे हार खाते हैं उनको संजीवनी बूटी सुंघाओ तो फिर खड़े हो जाए। और ये कितने होते हैं संजीवनी बूटी सुंघने वाले? ये संख्या है हाँ, ढेर के ढेर, क्योंकि आखिरी तो इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको ये पवित्रता की बूटी सूंघनी ही होती है। सब खड़े हो जाते हैं पुरुषार्थ, जब ड्रामा पूरा होता है ना तो जो भी एक्टर्स हैं क्या करते हैं है? गिर जाते हैं कि खड़े हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी कभी माया कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट से हरा देती है, फिर बाप को बड़ा तरस पड़ता है, बहुत तरस पड़ता है। बच्चे होते हैं ना, उनको इतना तो नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है धर्म के कहे हैं, उनको भी तो बच्चे होते हैं, वो भी बच्चे हैं बाप के, धर्म पिताएं भी, तो उनको इतना नहीं रहता है जितना उस मनुष्य सृष्टि के बाप को रहता है। बाबा अनुभवी होते हैं, वाह ये हमारे बच्चे कोई एक थोड़े ही है बच्ची है, सैकड़ों बच्चे हैं ना, हजारों बच्चे हैं। इस बच्चे के सामने बैठा बोला, किसने बोला? हजारों बच्चे ब्रह्मा ने बोला, हजार भुजाएं हैं ना ब्रह्मा की, हाँ उनमें सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मूर्छित होते हैं, फिर उनको संजीवनी बूटी सुंघानी पड़ती है। कोई तो बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं तो उनको संजीवनी बूटी दी जाती है कि बच्चे गफलत नहीं करो, अपने बेहद के बाप से अभी वर्षा लेंगे ना, कौन से बाप से बेहद के तो दो बाप हैं, आत्माओं का बाप जो खूट ज्ञान का भंडार है और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि का बाप से अभी वर्षा लेंगे ना, अभी लेंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे, और अभी राजाई का वर्षा न लिया
कंट्रोलिंग पावर का वर्षा न लिया तो फिर ऐसे ही कल्प नहीं पाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो कि हम कहां बैठे हैं? ये पाठशाला है, सामान्य पाठशाला नहीं, गीता पाठशाला। क्या भगवान ने आकर के जो ज्ञान का गीत गाया वो गीता पाठशाला है, ये वही बाबा की पाठशाला है। वही माने कौन सी? वही कह के कौन सी पाठशाला याद दिलाई? आदि में जो ओम मंडली में गीता के गहरे गहरे अर्थ बताते थे ना, तो वो ही गीता पाठशाला है। इसमें देखो ऐसी कोई पाठशाला थोड़ी ही होती है, क्योंकि दुनिया में वो जो सत्संग होते हैं सन्यासियों वगैरह के, उनको कोई पाठशाला थोड़ी कहा जाता है। उनको तो नाम रख दिया है ऐसे ही सत्संग। उनमें कोई सत्य होता है? है वो सन्यासी में कोई सच्चा होता है? है क्यों? उनमें सच्चा क्यों नहीं हो सकता? है अरे गीता में तो लिखा है ना, सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका कभी संसार में अभाव नहीं होता। और वो सन्यासी को है बीच में ही आते हैं चले जाते हैं, पूरे सृष्टि के चक्र में चक्कर लगाते हैं क्या? रहते हैं क्या? रहते हैं वो सन्यासी तो रहते नहीं, तो सत्य कहां हो गए? जो असत्य है वो टिकता नहीं है, और जो सत्य है वो सदा टिकाऊ रहता है। तो वो नाम रख देते हैं सत्संग। तो असली बात तो यहां की है, जहां इस मनुष्य सृष्टि में भले महाविनाश हो जाए कल्पांत काल में, तो भी वो सत्य इस सृष्टि पर जरूर रहता है। कौन है? जो इस सृष्टि पर वो सत्य है उसका कभी अभाव होता ही नहीं, उसको कहते हैं शिव बाबा। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी क्या बोला? वेद वाक्य है, बोला है इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज होती नहीं, सदा कोई चीज कायम नहीं रहती, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। क्या? शिव बाबा ऐसे नहीं कहा, शिव बाप। शिव बाप माने आत्मा का बाप, जिसका नाम आत्मा का ही शिव है, वो बाप ही है आत्माओं का, दूसरा कोई संबंध नहीं है। हाँ वो जब इस सृष्टि पर आता है, है? आत्मा लोक छोड़ करके सुप्रीम एगोर से, तो फिर जिस मनुष्य तन में हीरो पार्टधारी में
प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इस सृष्टि पर जब साकारी सृष्टि पर आता है, मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में, तो उसको आप समान बनाता है, है? और साथ संबंध निभाता है। इसीलिए तो गीता में लिखा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस संबंध से याद करता है, मैं उसको उसी संबंध से साथ देता हूं। क्या भावना अपनी अपनी है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सन्यासियों का तो कोई है नहीं, और यहां तो एम ऑब्जेक्ट है। क्या कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। उन सन्यासियों के सत्संग में कोई ये थोड़े ही बताते हैं कि तुम ये सत्संग करोगे, रोज सुनोगे, तो तुम नर से नारायण बन जाओगे, देवता बन जाओगे। नहीं, उस सत्संग का उन्होंने नाम झूठा रख दिया है, सत्संग। अरे सच्चा सत्संग तो ये है। क्या ये माने? किसका संग? सत्य का संग। इस सृष्टि पर जो सदा सत्य है, कभी लुप्त नहीं होता है, वो एक ही पार्टधारी आत्मा है। कौन? जिसको कहते हैं शिवशंकर भोलेनाथ। उसकी यादगार में गांव गांव में, शहर शहर में, सारी दुनिया की खुदाइयों में वो शिवलिंग मिला है ना, है? क्या नाम दिया? शिवलिंग। शिव तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, उस बिंदु की तो लंबाई चौड़ाई माप होता ही नहीं। गीता में क्या लिखा? अप्रमेय। क्या उसकी माप? माप नहीं है बिंदु, बिंदुओं में नाप माप होता है, लंबाई चौड़ाई होती है नहीं। तो इतना सूक्ष्म है कि कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। क्या अति सूक्ष्म को कोई चिंतन करे? थोड़ा बड़ा रूप हो तो याद आए। अचिंत्य है, हैं? तो इसलिए आखिरी महाविनाश में जो निराकार को मानने वाले धर्म पिताएं हैं, वो भी थक जाते हैं। फिर क्या करते हैं? कोई साकार को, साकार का चिंतन करते हैं, हैं? कौन साकार? जो सदा सत्य है इस सृष्टि पर। कौन? एक शिव बाबा। बाबा क्यों कहा? वो निराकारी स्टेज वाला शिव भी है। ज्योति बिंदु भी है और साकार भी है। तो सत्य के संग के साथ एम ऑब्जेक्ट है। क्या क्या एम ऑब्जेक्ट है? है? जो सत्य है उसकी एम ऑब्जेक्ट है। सत्य कौन है?
है शिव बाबा। शिव बाबा जो विश्व का मालिक बनता है, है? सारे विश्व की बादशाही लेता है तो वो क्या देगा? है धनवान बाप होगा तो धन देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। ये बाप क्या है? विश्व का मालिक तो क्या देता है? है वो विश्व की बादशाही देता है, है बादशाही माने राजा ही। कौन देता है? है शिव बाबा देता है या शिव बाप देता है? कौन देता है? शिव बाबा। शिव बाप क्यों नहीं देता? है तो वो तो किसी के ऊपर राजा ही करता ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करता। आता है अर्जुन के शरीर रूपी रथ में, जो अर्जुन ज्ञान धन का अर्जुन करता है, लेकिन शरीर और शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करता है, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। क्या चाहो मेरी बात मानो या न मानो, बाकी ये जो बाप है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल अवस्थित है, स्थिर है, वो हमको क्या देते हैं? बादशाह है ना। कैसा बादशाह? बेताल बादशाह है। खुद फकीर के रूप में दिखाया जाता है भक्तिवाद में, लेकिन बच्चों को बादशाही देता है। विश्व की बादशाही बच्चों के हाथ में आती है, सच्चखंड की बादशाही देता है। कैसे देता है? सत्य से। सत्य माने सच्चाई, ज्ञान। ज्ञान माने सच्चाई का ज्ञान, कि झूठ का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान। तो सच्चखंड की बादशाही हमको सत्य से देता है। अभी वो सत्संग हुआ या ये सत्संग हुआ, सन्यासियों का सत्संग हुआ या ये सत्संग हुआ, जिससे हमको है क्या मिलता है? पहले सत्य की जानकारी मिलती है, सत्य ज्ञान मिलता है, फिर क्या मिलता है? उस सत्य की शक्ति से क्या मिलता है? विश्व की बादशाही मिलती है। बाकी सन्यासियों से क्या मिलता है? हा? वो तो खुद ही घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, उनके पास कोई कंट्रोलिंग पावर होती है क्या? नहीं। वो असत संग है। क्या उन सन्यासियों का संग असत क्यों है? क्योंकि वो तो इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर बीच में आते हैं, आने से पहले इस सृष्टि में सदाकाल तो नहीं, तो अभाव हो गया ना सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनका, तो सत्य कहां हुआ? वो असत्य है। और ये शिव बाबा ये सत्य है, तो स्वयं सत्य है तो संग का रंग भी सत्य लगाता है, इसलिए सत्य संग है। उनसे देखो दुर्गति होती आती है। किनसे? किनसे? सन्यासियों से दुर्गति होती आई है। सिर्फ सन्यासियों से या धर्म पिताओं से भी है? धर्म पिताओं से भी दुर्गति होती आई है। सत्संग तो करते रहते हैं लेकिन सदगति किसी की
नहीं होती। और ही चाहे धर्म पिताएं आते हैं, चाहे कोई सन्यासी आते हैं, बौद्धी हो, शंकराचार्य हो, उनके आने के बाद भी क्या होता है, और दुखदाई कलयुग पापी कलयुग आता है, दुर्गति होती जाती है। ये तो कहते हैं परंपरा, ये शास्त्र सुनाते आते हैं, यानी परंपरा से ये सत्संग चले आते हैं। क्या रामकृष्ण की दुनिया में जहां सुख ही सुख था, सुखधाम था, दुख का नाम निशान नहीं था, उसे कहा जाता है स्वर्ग। तो वहां शासन करने वाला शास्त्र सुनाने की दरकार थी है? वहां तो शास्त्र होते ही नहीं, शासन करने वाला शास्त्र तो वहां जरूरत है जहां अनुशासनहीन होते हो। स्वर्ग में तो देवताएं अनुशासनहीन होते ही नहीं, तो वहां शास्त्र सुनाने की क्या बात है। तो ऐसे तो नहीं है कि सृष्टि में परंपरा से ये शास्त्र चले आ रहे हैं। इसे सृष्टि इस दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से बसा रहती है, पहले सत्य प्रधान, सत्य सामान्य, रजो और तमो, जैसे मनुष्य के जीवन में होता है, है? बचपन है, सत्य प्रधान है, जवानी आई है तो रजू प्रधान हो जाता, बुढ़ापा आता है तो तम प्रधान हो जाता, कोई पसंद नहीं करता। तो ये दुनिया भी, दुनिया की हर चीज और ये दुनिया भी चार अवस्थाओं से पसार होती है, चार युग है ना, सत्य प्रधान, सत्ययुग, सत्य सामान्य, त्रेता, रजो प्रधान, द्वापर, तमो प्रधान, कलयुग। तो ये जो दुनिया है ऐसी नहीं है कि इसमें परंपरा से ये शास्त्र सुनाते आए हो, नहीं, वो सन्यासी लोग वेद उपनिषद वगैरह वगैरह सुनाते हैं ना, ये शास्त्र सुनाते हैं ना, परंतु वेद पुराण उपनिषद आदि सत्ययुग त्रेता में स्वर्ग में सुनाने की दरकार नहीं होती है, है? अब ये वेद वगैरह सुनाते सुनाते करते करते बेचारा कौड़ी तुल्य तो आकर बने हैं, और यहां तक के अब सबके सामने तंबम बन गए, सबके सामने मौत का डर बैठा हुआ है, मौत आकर के सामने खड़ा हुआ है। क्या जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है ना, है? तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आई ही नहीं, लेकिन अंदर में तो घबराहट है। तो ऐसे ही अब इस दुनिया में एटम बम बन गए, सारी दुनिया में द्वैतवाद का हड़कंप मचा हुआ है, दो दो धर्म, दो से चार, चार से आठ, दो दो राज्य, द्वैतवादी द्वापर युग से ऐसे ही होता है, है? अनेक दुनिया में राज्य हो गए और सब आपस में झगड़ रहे, अनेक भाषाएं हो गई, भाषाओं के आधार पर खूब झगड़े, अनेक कुल हो गए, अनेक मत मतांतर हो गए। तो देखो अभी घोर अंधियारे में आ गए, क्या शास्त्र सुनते सुनते घोर अंधियारे में आ गए। ऐसे नहीं कि भारत में ही शास्त्र सुनाए जाते हैं,
यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, वहां भी तो वायलिन सुनाई जाती है ना, है? मुस्लिम कंट्रीज में वहां भी तो कुरान सुनाते हैं ना। तो ये सुनते सुनते घोर अंधेरे में आ गए, कबूतर बुद्धि बने पड़े हैं, समझते हैं कि एटम बम बने ही नहीं, या तो ये तो है ऐसे ही पड़े रहेंगे घोर अंधेरे में ना। तो बच्चे ये जो भक्ति है ना, ये घोर अंधेरे में ले जाती है। भक्ति होती है अंधश्रद्धा वाली है, और ज्ञान एक ईश्वर से आता है, वो तो जानकारी का भंडार है ना, सच्चाई की जानकारी है ना ईश्वर के पास, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा आ रहा है, इसलिए भूलता तो नहीं है। तो इस सारे षष्ठ चक्र का अखूट ज्ञान ईश्वर में है, और उस एक से ही ज्ञान आता है इस संसार में। वो एक आता है तो ज्ञान सुनाता है, सच्चाई सुनाता है। बाकी जितने मनुष्य मात्र हैं, क्या बाकी मैंने हाँ दस दस सिर, अच्छा दस सिरों में जो जिसो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा, वो भी शामिल है या नहीं है? अरे दस सिरों में मनुष्य सृष्टि का बाप भी शामिल है या नहीं? नहीं। राम रावण बनता है कि नहीं है? राम रावण बनता है। जैसे कृष्ण भगवान बाप जब आते हैं तो त्रिमूर्ति के साथ आते हैं, तो कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पाठ बजाती है, ऐसे ही राम की आत्मा शंकर का पाठ बजाती है। तो वो जो शंकर वाली आत्मा है आदम मनुष्य सृष्टि का बीज, वो भी अंधेरे में आता है या नहीं आता है? आता है, क्या आके भी जन्म में आता है। जब आत्माओं का बाप शिव सृष्टि पर आते हैं, हैं? उसमें प्रवेश करते हैं, तो उसे तो पता ही नहीं चलता कौन आया है ना, होता तो है बुद्धि में होशियार, तो ये समझता हमने अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब दे दिया। क्या मनुष्य सृष्टि में नंबरवार बुद्धि होती है ना मनुष्य आत्मा में, तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज होगा उसमें तो जरूर तीखी बुद्धि होगी, तो बुद्धि का अहंकार रहता है, तो बाप को तो जाना नहीं है, और अहंकार ये भरा हुआ है शिवो हम, मैं ही शिव हूं, मैं ही भगवान हूं, आत्मा सो परमात्मा। तो बस जो बात बुद्धि में आती है वैसे समझ करके जो भी हुजूम सत्संग में इकट्ठा होता है उसको क्या करते हैं, है? दुर्गति में ले जाते हैं या सदगति में ले जाते हैं, है? अरे यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली में हुजूम इकट्ठा हुआ वो दुर्गति में ले गए या सदगति हुई? खुद की सदगति हुई, है? वो आत्मा खुद ही फेल हो गई,
का राम जिसे बाप कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का, वो खुद ही फेल हो गया। फेल होने वालों में नंबर वन क्या? तो देखो वो भी अध्यारी में आया या नहीं आया है? तो बच्चे भक्त घोर अध्यारे में भक्ति ले जाती है। क्यों? भक्ति कहते हैं भागती गई बुद्धि, बुद्धि भागती रहती है। ये सच्चा ये नहीं, ये सच्चा ये नहीं, ये सच्चा इब्राहिम सच्चा, बुद्ध सच्चा, क्राइस्ट सच्चा, ये सच्चा गुर्जर सच्चा है, मंदिर मस्जिद सच्चा, ऐसे बुद्धि भागती रहती है। तो अज्ञान अधियारे में है या सोझरे में है, क्या कहें है? अज्ञान अंधियारे में है। ये भक्ति कहां से आती है? रावण के अनेक सिरों से भक्ति आती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बस सुन सुनाई बातों से दुर्गति पाते। इसने सुनाया, उसने सुनाया, उसने सुनाया, जिसने जो सुनाया, सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा धाम सत्य है, दयाल धाम, ऐसे भक्त लोग करते हैं ना। तो ये भक्ति अंधेरे में ले जाती है, दुर्गति में ले जाती है। क्या? कैसी गति में? दुर्गति जो है वो नीचे गड्ढे में जाती है। अब बुद्धि जब दुर्गति में जाए तब तो सदगति करने के लिए बाप आए रहते हैं ना। सर्व का सदगति दाता एक। तो जब सर्व धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की संसार में बुद्धि गड्ढे में चली जाती है, निगेटिविटी में चली जाती है। क्या? बिजली का प्लग होता है ना, दो तरह का, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जब सबकी बुद्धि गड्ढे में चली जाती है तब बाप आते हैं, सुप्रीम सोल बाप, जो कभी भी दुर्गति में नहीं जाता, जो आत्मा, आत्माओं का बाप है ना। तो वो आते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। जो भी जिस धर्म के भी फॉलोअर्स हैं, धर्म पिताएं हैं, सब की सदगति करते हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का सदगति दाता। क्या? उनको क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा है? बताओ है? उनको क्यों कहा बहुवचन में, उसको क्यों नहीं कहा? एक है ये ज्यादा है, है दो है, एक निराकार और जिसमें आता है वो साकार रथ वाला शरीर वाला दिखाते हैं ना। अर्जुन के रथ में शिव निराकार आया, भगवान आया। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में वो भी गलती कर दी, साकार कृष्ण को दिखा दिया है। अब पूजते हैं कृष्ण बच्चे को, अरे जो उसको पूजते हैं वो कृष्ण बच्चा कैसे राजयोग सिखाएगा है? बताया सदगति दाता एक हुआ ना बच्ची। कभी कहते हैं राम भगवान, कभी कहते हैं कृष्ण भगवान, कभी कहते हैं शंकर भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान। अरे भगवान एक होगा ना, गॉड इज वन कहा जाता है ना, है गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना, ट्रुथ इज वन होता है ना। तो एक हुआ। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकता था? क्यों नहीं दे सकता है?
मनुष्य क्यों नहीं दे सकता? कारण, क्योंकि मनुष्य को मन होता है चंचल। क्या? चंचल मन बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता। जब बुद्धि एकाग्र नहीं है, चंचल है, चलायमान है, तो इधर उधर भागती रहेगी ना। भागने वाले को भगत कहा जाएगा ना। भक्ति से दुर्गति होती है, तो मनुष्य नहीं कर सकता ये काम। क्यों? मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? हाँ, उसका मन जो है चलायमान रहता है, चंचल रहता है, एकाग्र होता ही नहीं है। चलो, जैसे मनुष्यों में बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का बाप बीज है आदम, जिसे हिंदू में आदिदेव कहते हैं, वो भी मनुष्य होता है ना, है? तो वो भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसका भी मन चंचल ही तो होता है, है? कि एकाग्र होता है पहले से, है? भगवान आके गीता ज्ञान सुनाते हैं, उससे पहले एकाग्र होता है नहीं? तो उसको कहा जाता है मूर्तिमान शंकर, पुरुषार्थी, निराकारी स्टेज वाला नहीं बना। जैसे शिव है निराकारी, धर्मपिता हैं, जब आते हैं आत्मलोक से, सुप्रीम एबोर्ड से संसार में, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट है, गुरु नानक, तो उनके चेहरे से क्या झलकता है? निराकारी रूह दिखाई देती है या देवांग दिखाई देता है? है? क्या दिखाई देता है? है, निराकारी रूह दिखाई देती है, रूह माने आत्मा। कोई भी धर्म पिता को देख लो, है? चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाला, वो तो धर्म पिता है। लेकिन उन पिताओं का भी पिता, बाप का भी बाप, जिसे बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर भी कहा जाता है, है? वो ग्रैंडफादर तो कितने निराकारी स्टेज वाला। तो जब निराकारी स्टेज बन जाती है, आत्मिक स्टेज बन जाती है, आत्मा निराकार है ना, ज्योतिबिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योतिबिंदु कि उसकी लंबाई चौड़ाई माप तो है ही नहीं, तो वो निराकार बनी हुई आत्मा स्थिर बुद्धि हो जाती है, निराकारी स्टेज में, आत्मिक स्मृति में टिक जाती है। देह और देह के पांच तत्व और उस देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योगी को होता ही नहीं। उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण की शक्ति आ जाती है। क्या? वो चाहे तो दुनिया में किसी को भी वशीभूत कर सकता है, लेकिन उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन है तो योगी नंबर वन, एक जैसी एकाग्रता सबके अंदर नहीं हो सकती। तो बात तो सच्ची ये है कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भगवान होता ही नहीं, उसमें मन चंचल होता है, है? वो चंचल मन जब एकाग्र हो जाए ज्योतिबिंदु आत्मा पर, तब उसे कहेंगे
निसंकल्प, कोई संकल्पना आए सिवाय एक ज्योति बिंदु आत्मा के। इसलिए गीता में लिखा है नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? लगा संकल्प विकल्प जब तक बुद्धि में चलते हैं तब तक योगी है कि भोगी है? भोगी। पूर्व जन्मों के जो पाप पुण्य के हिसाब किताब आत्मा में हैं वो चुकतू नहीं किए हैं तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब संकल्पों के रूप में तो जरूर आएंगे, वाचा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्मणा के रूप में भी आ सकते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो मूल है संकल्प, बीज है संकल्प। संकल्प मात्र ही खत्म हो जाए क्या कोई संकल्प ना आए, ऐसी निरंतर स्टेज बन जाए तो कहेंगे योगी। तो ऐसा योगी उसको फिर मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मन चलाए मन है ही नहीं। जिनको मन होता है उनको मनुष्य कहा जाता है। मन मनु की औलाद, जिस मनु ने बहुत मनन चिंतन मंथन किया तो औलाद भी वैसी ही होगी। तो देखो न मनुष्य अपनी सदगति कर सकता है न दूसरों की कर सकता है, न उनकी कर सकता है जो उनके सत्संग में आकर के बैठते हैं, क्योंकि गाया ही जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। क्या सर्व का सदगति दाता 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा ही नहीं, जितने भी जीव जंतु प्राणी मात्र हैं उन सब की सदगति होती है। सदगति माने, सदगति का मतलब ही है शरीर भी रहे और शरीर होते हुए भी दुख महसूस न हो, सुख ही सुख महसूस है ना। स्वर्ग में है सदगति, वहां सुख ही सुख होता है दुख होता ही नहीं। तो वो बेहद का बाप है जो सब की सदगति रहता है, गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता सब का सदगति दाता राम। तो बेहद के बाप की मत पर चलना चाहिए ना। क्या तो सबकी सदगति दाता है तो सबको किसकी मत पर चलना चाहिए है? एक की मत पर चलना है। कौन एक? आत्माओं का बाप है, आत्माओं का बाप नहीं, आत्माओं का बाप सबको मत नहीं देता। क्या आत्माओं के बाप के पास जो श्रेष्ठ मत है वो मत सिर्फ अपने बड़े बच्चे को देता है। क्या सद्बुद्धि, और वो बड़ा बच्चा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सारी मनुष्य मात्र को क्या देता है? सी मत देता है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट इस दुनिया में होते हैं कि आत्मलोक में श्रेष्ठ और भ्रष्ट कहेंगे
हैं, इस दुनिया की बात है। तो इस दुनिया में जो हीरो पार्टधारी है, वेद का बाप है, उसकी मत पर चलना चाहिए। चलेंगे कब है? जब पहचानेंगे तब चलेंगे या बिना पहचाने चलेंगे? वो जो धर्म पिताएं हैं या जो इस दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, कलयुग के अंत में इस दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उस बाप को जानते हैं क्या? है क्या? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है कि इस दुनिया के जितने बड़े लोग उतने महामूर्ख बन जाते हैं। क्या वो बाप को जानते हैं? नहीं जानते। तुम कहते हो उनको कि बाप आया हुआ है, आकर के समझो, पहचानो उस मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप को। इन आंखों से नहीं देख पाओगे, देख भी लोगे तो पहचान नहीं पाओगे। इसलिए उसको ज्ञान से ही जाना जा सकता है। तो आकर के वो जो अपनी पहचान देता है, उस पहचान को, उस ज्ञान को आकर उठाओ है? तो तैयारी नहीं होती उनकी बुद्धि में, निश्चय बैठता ही नहीं कि ये सही बात कहते, हमको बेवकूफ बना रहे। तो बेहद के बाप को पहचान कर बेहद के बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना चाहिए। मत देने की ताकत और कोई में तो है नहीं। कैसी मत? जो सदगति करे। मत देते हुए चलने की ताकत, और तो कोई करते तो है ही नहीं ना। सिर्फ मत बोलते हैं कि मत पर चलो, अपना कल्याण करो। बच्चियों समझती हो ना? अच्छा अभी मिलना है इन बच्चों से, कोई पार्टी आई होगी। अभी इनको सदा सुखी बनाना है। कोई पार्टी आई हुई है, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये उस दुनिया में दुखी हैं, रास्ता दुनिया में कोई नहीं मिल रहा है, तब तो यहां आए हैं। तो सदा सुखी इनको बनाना है। बाप कहते हैं ना, और तंदुरुस्त हो जाते हैं तो साधवाना हो जाता है। बाबा तो इनके लिए सबको वो बात बताएंगे ना, है देंगे ना, चुन करेंगे ना। किसी ने कुछ कहा, अमर भव यानी अमर लोक के मालिक भव, जहां कोई इच्छा बिगर मरता ही नहीं। अमर लोक में, स्वर्ग लोक में कैसी मृत्यु होती है? इच्छा करते हैं और शरीर छोड़ते हैं, वहां जबरियन मृत्यु किसी की बिना इच्छा के नहीं होती। तो अमर लोक के मालिक भव, इनकी बेहद के बाप की तो ये आशीर्वाद है। क्या क्या आशीर्वाद? अमर लोक के मालिक भव, जो स्वर्ग लोक है वहां के मालिक बनो। माना
सीधे नर से नारायण बनो। क्या नर से शरीर छोड़ करके अगले जन्म में भी नारायण नहीं, सीधे नर से नारायण विश्व के मालिक बनो। क्या सचिव में नंबरवार गद्दियां होगी ना नारायणों की, नंबरवार कलाओं वाले, तो वो नहीं बताया। क्या बताया आशीर्वाद? ऊंचते ऊंच नारायण बनो। अभी बीती सो बीती, अभी तक जो पुरुषार्थ किया नीचा ऊंचा वो तो टाइम बीत गया। देखो किसी ने कुछ कहा अभी अंधेरा है, कल सवेरा आया, आज अज्ञान का अंधेरा है, कल सवेरा आता है, ज्ञान सूर्य निकलता है, आत्मन उजियारा होता है, आज नरक है कल स्वर्ग बन जाते ना। आज जीवन सबका कौड़ी तुल्य है। कैसा जीवन है? कौड़ी तुल्य। क्यों? बुद्धि में कौड़ी जैसा अंग याद आता रहता है 24 घंटे, तो जीवन कैसा हो गया? कौड़ी तुल्य हो गया। तो आज कौड़ी तुल्य और अभी ज्ञान सूर्य बाप आया हुआ है, सवेरा हुआ, तो क्या बन जावेंगे? हीरे समान बन जावेंगे। हीरा तो चमक मारता है ना, है? क्या हीरे को धूल में भी डाल दो तो धूल में भी हीरा चमक मारेगा या नहीं मारेगा? वहां भी चमक है। देह अभिमान की धूल की बात, क्या देह अभिमान की धूल में भी हीरे को डाल दिया जाए तो वो सच्चा हीरा होगा तो चमक मारेगा, तो कल हीरे तुल्य बन जावेंगे। आज कौड़ी तुल्य जीवन है, कल हीरे समान हीरो पाटधारी बन जावे। षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसा पुरुषार्थ करो, बाप ऐसा ऊंचे के ऊंचे हम ऑब्जेक्ट देते हैं, समझा ना? आज तो तुम बच्चे शिष्टाचारी बन ही रहे हो, परंतु जानते हो क्या? जानते हो बरोबर आज भ्रष्टाचारी हैं, कल शिष्टाचारी बनेंगे। मना आज कैसे आचारी हैं, भ्रष्टाचारी दुनिया में समझते हैं, रिश्वत रिश्वत लेते हैं तो भ्रष्टाचारी। बाप कहते हैं भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं तो भ्रष्टाचारी। देवताओं की पूजा करते हैं ना, क्यों करते हैं? वो भ्रष्ट इंद्रियों से कोई दुराचरण नहीं करते थे। दुराचरण का मतलब है ऐसा आचरण जो दुखदायी आचरण हो। क्या इंद्रियों से मारा मारी नहीं करते थे, दुराचारी नहीं होते थे स्वर्ग में देवताएं, तो वो शिष्टाचारी थे, तो आज उनकी पूजा होती है मंदिरों में। और अब नेताओं को, बड़े बड़े साधु सन्यासियों को मंदिरों में बैठा के पूजा करते हैं, चौराहे पर खड़ा कर देते हैं, तेरा ही पर खड़ा कर देते हैं मूर्ति बनाकर,
है ना, मंदिर तो नहीं बनाते। तो बच्चे जानते हैं कि आज हम भ्रष्टाचारी हैं, कल श्रेष्ठाचारी हो जाएंगे। हैं? कैसे आचारी हो जाएंगे? श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले बन जाएंगे। जीवन में जो आचरण है हमारा, कार्य व्यवहार है, वो श्रेष्ठ इंद्रियों से चलेगा, इसलिए श्रेष्ठाचारी देवता बनेंगे। क्योंकि अभी दुनिया भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रही है। क्या धर्म पिताओं ने आकर के द्वापर युग से द्वैतवादी दुनिया बनाई, तब क्या हुआ? दो दो मतें, दो दो राज्य, दो दो धर्म हैं। उस द्वैतवादी दुनिया में उन्होंने भ्रष्ट इंद्रियों से सुख लेना सिखाया, संतान पैदा करना सिखाया, सृष्टि चलाना सिखाया। अभी बाप आए हैं, दुनिया बदल रही है, फिर से शिष्टाचारी बनाने आए। नहीं तो इस कलह क्लेश की दुनिया में, क्या कौन सी दुनिया? कलह माने झगड़ा, झगड़ा होता है तो कलेश होता है, दुख होता है। तो इस कलह क्लेश की दुनिया में, कलयुग में, कोई शिष्टाचारी थोड़ा ही होता है। कलह क्लेश होता ही क्यों है? मारा मारी करते हैं इंद्रियों से तो कलह क्लेश होता है। तो इस दुनिया में, कलह युग में, कोई शिष्टाचारी हो ही नहीं सकता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भ्रष्टाचारी। कोई भी देश में चलेगा, क्या जो भी राज करने वाले राजनेताएं हो या कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, वो सब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं, इसलिए दुखदाई हैं। इसलिए इस दुनिया में कोई भी राजा, कोई भी कंट्रोल करने वाला पब्लिक को शिष्टाचारी थोड़े ही है। राजा शिष्टाचारी हो तो प्रजा भी शिष्टाचारी हो। राजा भ्रष्ट इंद्रियों से आसन करने वाले हैं, मारा मारी करने वाले हैं, तो प्रजा भी इसी तरह भ्रष्टाचारी। हाँ, इस कांटों के फॉरेस्ट में, इस कांटों के जंगल में, क्या संसार कैसा है? कांटों का जंगल है। कांटों का जंगल क्यों कहा? फूलों का जंगल क्यों नहीं कहा? फूलों का तो फॉरेस्ट होता है, होता ही नहीं। फूलों का तो बगीचा होता है, खुशबू आती है, है? सुखदाई होता है। ये कांटे तो दुखदाई होते हैं। इस फॉरेस्ट में, जंगल में तुमने आकर के फूल का जन्म लिया है। फूल माने ब्राह्मण का जन्म लिया है। क्या त्रिदेवों में से जो पहला देवता है कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो कई होते हैं, अव्वल नंबर का, द्वितीय नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, या पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं। तो कौन से ब्रह्मा से जन्म लिया है? है जो फूल का जन्म कहा जाए, है? अरे तुमने जन्म लिया है, क्या कहा? इसने नहीं जन्म लिया है, इसके फॉलोअर्स ने भी नहीं जन्म लिया है, उन लोगों ने, दूसरे धर्म वालों ने भी जन्म नहीं लिया है, तुमने जन्म लिया है। किससे जन्म लिया है? है तुमने जन्म लिया है डायरेक्ट किससे? अरे कौन से ब्रह्मा से? जल्दी बहते नहीं है। पहले नंबर का कौन नाम बताओ?
है परम ब्रह्म अव्वल नंबर क्योंकि शिव बाप आते हैं जिस मनुष्य तन में भी प्रवेश करते हैं तो उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। ऐसे ब्रह्म वाक्य बोला है ना, तो अव्वल नंबर ब्रह्मा में आते हैं तो जरूर उस अम्मा से संतान भी कैसी पैदा हुई है, अव्वल नंबर की संतान पैदा हो गई। कितने क्या अव्वल नंबर की संतान कौन? शिव बाप आते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं, रचना करते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन होता है, है? रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो महारुद्र है उसके बच्चों का नाम पड़ता है रुद्रगण। क्या क्या नाम पड़ता है? रुद्रगण। सब पुरुष स्वभाव के है, और ऐसे रुद्रगण जो रौद्र रूप धारण करते हैं तो सारे संसार का विनाश हो जाता है, भयंकर रूप धारण करते हैं। कब? जब दुनिया के लोग अपने अहंकार में किसी की बात सुनते ही नहीं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। आत्मा जो पार्टधारी है उस पार्टधारी आत्मा का रिगार्ड नहीं करते। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, सबके अंदर देह भान भर जाता है इस दुनिया में, क्या पांच तत्वों से बनी हुई देह में बुद्धि सबकी धरी रहती है, पंचभूत से बनी हुई देह में बुद्धि धरी रहती, माने भौतिकवादी बन गए, आत्मा को भूल गए। जो ईश्वर है ऊंचते ऊंच, वो क्या है? वो आत्मा है, आत्माओं का बाप है। तो अपनी आत्मा को भी भूल गए, दूसरों को भी आत्मिक रूप में नहीं देखते, और आत्माओं के बाप को भी भूले हुए, तो जानते ही नहीं कि भगवान बाप आते हैं तो जिन बच्चों को जन्म देते हैं वो दुनिया के सबसे पावरफुल बच्चे होंगे ना। उनका जो माला रूपी संगठन बनता है, क्या रुद्रमाला कही जाती है ना, तो दुनिया का सबसे पावरफुल संगठन, क्योंकि वो बच्चे डायरेक्ट बाप से राजयोग सीखते हैं। क्या राजयोग सीखते हैं और जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। मनुष्य मनुष्यों को राजा नहीं बनाता। क्या आज सारी दुनिया में राजाओं का राज्य है या प्रजा का राज्य है? प्रजातंत्र राज्य फैल गया, कहते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। अरे प्रजा में इतनी अकल होती है, है? राजा में अकल होगी तभी तो कंट्रोल करेगा, है? तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर मनुष्यों में बहुत बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, उसको आकर के ज्ञान सुनाते हैं गीता का, और उस गीता ज्ञान के द्वारा राजाई विश्व की बादशाही देते हैं। योग से क्या मिलता है? विश्व की बादशाही। इसलिए कहते हैं क्या बुद्धिमान नर अर्जुन, क्या मनुष्यों में बुद्धिमान कौन? अर्जुन।
तो बताते हैं कि तुमने अभी फॉरेस्ट में जन्म लिया है, अब फॉरेस्ट से निकल करके बाप के पास आए हो, तो ब्रह्मा के बच्चे, अव्वल नंबर ब्रह्मा के बच्चे, तुम क्या बन रहे हो? फूल बन गए, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण तो नौकुरियों के होते हैं क्या? एक से एक ऊंची कुरी, सबसे ऊंची कुरी है सूर्यवंशियों की, जो सूर्य के बच्चे बनते हैं। तो जो सूर्य के बच्चे हैं वो फूल बन जाते हैं क्या? फूल जो है सुखदाई होता है, फूलों का जन्म लिया है अभी बाबा द्वारा। किसके द्वारा? बाप द्वारा या बाबा द्वारा? बाबा द्वारा फूलों का जन्म लिया है। किंतु दुनिया तो फॉरेस्ट ऑफ थॉट्स है, दुनिया तो कांटों का जंगल है, एक दो को दुख ही देते रहते हैं।